Now we will discuss the physical properties of metals and non-metals. Means यहाँ हम metals और non-metal के भौतिक गुणों के बारे में discuss करेंगे. Physical properties include physical state, luster, color, hardness, malleability, ductility, thermal conductivity, electricity and sonority. Means physical properties में physical state आती है. लस्टर, उसकी चमक के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके कलर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी हार्डनेस के बारे में स्टडी करेंगे. मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी मीन्स जब हम किसी मेटल को थिन सीट में कवर करते हैं देन इट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स व्हेन वी चेंज अ मेटल इनटू अ वायर. मीन्स जब मेटल को ड्रोन के थ्रू वायर में कन्वर्ट किया जाता है देन इट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनोरिटी. और हम उसकी सोनोरिटी के बारे में, मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस टू मच साउंड. सोनोरिटी, जब मेटल को हम एक दूसरे के साथ ड्रमिंग करते हैं देन दे प्रोड्यूस साउंड. सो फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था. मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अधिकतर सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है. रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. बट मर्करी इज़ द एक्सेप्शन बिकॉज इट इज़ नॉन टू अकर इन लिक्विड स्टेट एट और नियर रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर, बट मर्करी इज़ अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है. नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉलिड. अधिकतर सभी नॉन मेटल्स सॉलिड होती है और गैस या गैस होती है एट रूम टेम्परेचर पर. बट ब्रोमीन ओनली आ नॉन मेटल. ब्रोमीन ही एक सिर्फ नॉन मेटल ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लस्टर. मेटल्स, लस्टर और अ शाइनी सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोस्टली मेटल्स. मीन्स मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स मोस्टली चमकदार होती हैं. दिस इज बिकॉज मेटल कैन बी पॉलिश्ड. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल को पॉलिश किया जा सकता है. बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शाइन, उनकी साइन होने की, चमक होने की एबिलिटी की वजह से. एंड रिफ्लेक्ट लाइट, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से. मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, मीन जैसे कि गोल्ड और सिल्वर शाइनी होती है और वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है. ऐसा इसलिए होता है और हम बोलते हैं कि मेटल्स आर लस्ट्रस. एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स. और प्लेटिनम भी ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है या अदर कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में हम प्लेटिनम की कोटिंग कर देते हैं. नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स आर डल सरफेस. ऑलमोस्ट नॉन मेटल डल होती है, रफ होती है सरफेस में. एज मोस्ट ऑफ देम अकर एज पाउडर एंड गैसेज, और जिसमें कि मोस्टली पाउडर में या गैसेज में अकर होती है. दे कैन नॉट बी पॉलिश लाइक मेटल, और उन्हें मेटल की तरह पॉलिश नहीं किया जा सकता. ग्रेफाइट एंड आयोडीन डू सो सम लस्टर, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर सम लस्ट्रस नॉन मेटल्स. मीन्स मोस्टली नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती. सिर्फ दो नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो लस्ट्रस होती है, जैसे कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन, जिनमें कुछ थोड़ी बहुत लस्टर होती है, मीन्स चमक होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कलर. मेटल्स, मोस्ट मेटल्स आर वाइट एंड सिल्वर ग्रे. मोस्टली मेटल्स वाइट होती है या सिल्वर ग्रे कलर की होती है. दे आर हाउएवर आ फ्यू एक्सेप्शन. देर आर हाउएवर आ फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मतलब मोस्टली मेटल्स हमारी या तो वाइट होंगी या सिल्वरी ग्रे कलर की होंगी, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है. जैसे गोल्ड हमारी येलो कलर की होती है एंड कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन, और कॉपर हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लाल भूरे रंग की होती है. नॉन मेटल्स, सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस. कुछ नॉन मेटल्स कलरलेस होती है, रंगहीन होती है. मीन्स दे हैव नॉट कलर, दे आर लाइक ट्रांसपेरेंट. वाइल सम आर कलर्ड, लेकिन कुछ
कलरफुल होती है. फॉर एग्जांपल्स, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस. क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज लुक लाइक एज अ ग्रीनिश येलो कलर. इट इज़ अ गैस. ब्रोमीन इज अ ब्राउन लिक्विड, और ब्रोमीन हमारा ब्राउन लिक्विड है. आयोडीन इज अ वॉयलेट सॉलिड, और आयोडीन हमारा वॉयलेट सॉलिड कलर का होता है, सॉलिड होता है. एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैस, बट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द कलरलेस गैसेस. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हार्डनेस.